देखो जो प्रदेश सरकार जो अभी हाल ही में 15 महीने पहले बनी थी, प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री सुखविंदर सुक्खू जी द्वारा जो बहुत सारे प्रदेश के हित के लिए कार्य किए गए हैं, उससे प्रभावित होकर आनी विधानसभा क्षेत्र के सभी जो आज वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिसमें ठाकुर रामलाल जी जो हमारे पूर्व में मंडल के अध्यक्ष रहे, पूर्व में वाइस चेयरमैन रहे, प्रधान रहे, और उसके साथ प्रीतम सागर जो हमारे एससी मोर्चा के पहले भाजपा के अध्यक्ष थे, और उसके अलावा यहाँ पर चुने हुए प्रधान, उपप्रधान, बी डी सी सदस्यगण, और लगभग यहाँ पर 150 से अधिक जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो भाजपा को छोड़कर आज कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री का धन्यवाद करता हूँ। और उसके अलावा जो हमारे अभी मंडी से जो सांसद के रूप में जो हमारे राजा विक्रमादित्य जी को अभी टिकट दिया है, और कुछ एक हमारे बीजेपी के लोग कह रहे थे कि यह तो एक ब्रह्मास्त्र यूज़ किया गया है, और ये लगता है जिस ढंग से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारे जो सराहनीय कार्य किए हैं, इसके लिए मैं आने वाले समय में जो हमारे आनी विधानसभा क्षेत्र के जो कार्य हैं, और उसमें हमारे पार्टी के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री बुद्ध सिंह ठाकुर जी, और हमारे पार्टी के वहाँ आनी के अध्यक्ष उपेंद्र कांत मिश्र जी का धन्यवाद करता हूँ, और इन सब के सहयोग और आशीर्वाद से हम आनी विधानसभा क्षेत्र को एक आने वाले समय में आदर्श विधानसभा बनाएंगे, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और जहाँ तक लोकसभा के जो अभी चुनाव हो रहे हैं, और उसमें हम विश्वास लाते हैं कि वहाँ से आदरणीय श्री विक्रमादित्य को आनी विधानसभा क्षेत्र से लगभग 20,000 की बढ़त दिलाएंगे, इसके लिए पूरी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हमारे पार्टी के वहाँ के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री बुद्ध सिंह ठाकुर जी, और जो वहाँ के हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष है आदरणीय श्री उपेंद्र कांत मिश्रा जी, और पार्टी के सभी कार्यकर्ता मिलजुल कर हम प्रयास करेंगे। अभी ये तो एक थोड़ा सा ट्रेलर था, यहाँ पर आनी विधानसभा क्षेत्र में बहुत से अभी ऐसे कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी से बहुत परेशान है, वहाँ दुखी है, और आने वाले समय में बहुत संख्या जो भारतीय जनता पार्टी जो कांग्रेस पार्टी में जुड़ेंगे, इसका मैं आप सबको विश्वास लाता हूं। और उसके साथ प्रदेश की बहुत सारी जो नीतियां हैं, जो अभी जैसे ओपीएस को बहाल किया गया, कर्मचारी के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया है, और ख़ासकर आनी विधानसभा क्षेत्र के लिए हमें बहुत खुशी है कि जो दूध का रेट है अभी जो है एक साल के अंदर उसमें 15 रुपये की बढ़ोतरी की गई है, इससे भी आनी विधानसभा क्षेत्र जो वहाँ पर दूध का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, हमारे आनी विधानसभा क्षेत्र के लोग कांग्रेस पार्टी से बहुत खुश है। जी, 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 जी।